इसके बाद यानी कल हम रोटरडम नेदरलैंड की तरफ जाएंगे। तो आज हमें मैक्सिमम जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। दोस्तों ये बस वाला हमें एक स्टॉप आगे ले आया, तो अभी हम वापस पीछे को जा रहे हैं। तो कोई नहीं, फारग है, हम दो स्टॉप भी आगे ले जाता तो खैर थी। तो अभी वापस जाएंगे और अंधेरा भी होने वाला, और ये रॉयल पैलेस, क्योंकि मेन जितनी जगह थी वो हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। अभी ये वाला क्योंकि करीब भी थी तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको करने के बाद वाइंड अप करते हैं अपनी ब्रुसेल्स की जर्नी को। काफ़ी अच्छा सिटी है, और अभी क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे सनसेट हो रहा है और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और मौसम भी अच्छा है। इस टाइम दिन टाइम थोड़ी गर्मी थी, लेकिन इस टाइम आकर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। तो अभी हम रॉयल पैलेस जाएंगे, पीछे देखें सनसेट हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्रॉस करना है, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ से ही क्रॉस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि लग्जमबर्ग जो था छोटा सा कंट्री था, और अभी यहाँ आके शहरों वाली फीलिंग आती है, नया शहर आ गया है। तो वो भी शहर ही। तो दोस्तों अभी हमने रोड को क्रॉस करना है, और बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, व्यूज़ भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। और हमने शुक्र है दो दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजारे हैं इधर, और नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया। तो यही हमारा जो मेन मकसद था, यानी हर कंट्री टू कंट्री हम इसी तरह जितनी जितनी मेन जगह होंगी प्रेफरेंस उनको देंगे कि पहले वो एक्सप्लोर की जाएं, और बाद में कोई दूसरी जगहों को अगर टाइम बचा तो उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो जैसा कि आज क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी जगह एक्सप्लोर कर ली हैं, तो अभी ये वाली जगह बची थी, तो इस पे अगर टाइम ना होता तो हमने जाना भी नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि रात सही तरह हुई नहीं, अंधेरा जितनी देर तक नहीं होगा उतनी देर तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम अब वापस अपने हॉस्टल की तरफ जाएंगे। तो अभी रोड क्रॉस करना है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि दूसरी तरफ कैसे जाया जाए। दोस्तों ये इलाका भी काफ़ी खूबसूरत इलाका है, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं इधर भी। वो दूसरी तरफ जाना, लेकिन यहाँ से तो खास हमें मिल नहीं रहा, तो वापस उधर जाकर तो हम उस तरफ को निकलते हैं। ये आईएनजी बैंक का हेड क्वार्टर है, काफ़ी बड़ा है ये। दोस्तों ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, सनसेट तकरीबन हो गया और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। ये आदमी कौन है घोड़े पर, घोड़ा तो कमाल का है दोस्तों, कमाल का घोड़ा बनाया है जिसने भी बनाया मुजस्मा।
कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो भी है हासिल। तो दोस्तों अभी हम लियोपोल्डो पर हैं। ये आदमी जो है 1866 से 1909 तक ये जिंदा रहा। पत्रिया मीमोर। तो दोस्तों इसके बारे में हमें कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोई हीरो ही लग रहा है इधर का ना। तो लिहाजा वो शेर भी बने हुए हैं दोस्तों, वो देखें, वो दो शेर, एक ये है और एक ये है। क्या बात है, ये है क्या कब्रिस्तान तो नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि हमें ब्रुसेल्स का कुछ भी नहीं था पता, ब्रुसेल्स के बारे में काफ़ी जो है नॉलेज हासिल कर लिया है, और हमें पता भी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम के लिए अभी हम जब भी आए तो हमें कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। दोस्तों ये रहे शेर, तो शेर भी सही बने हुए हैं, बिल्डिंग वगैरह भी अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। ये एरिया भी खूबसूरत है, ये बिल्डिंग है तो बंद हो गई है, लेकिन अच्छी बिल्डिंग है। तो दोस्तों ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, इसके साथ एक दो बंदों ने मुझे और सजेशन भी दिए थे कि निंगो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दे टोल्ड मी यू शुड दो सिटीज़ आल्सो। लेकिन अभी जो शॉर्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ एक ही सिटी पे फोकस करने पे लगाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरा सिटी भी अभी के टूर में ही कंप्लीट करूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब इधर नहीं आएंगे, तब उधर जाएंगे। तो इसलिए एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए बंदे को, यानी दो दो कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए आए हो उसी पर ही फोकस करना आपने। तो ब्रुसेल दोस्तों मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, यानी आई लव दिस सिटी, यानी बड़ा सिटी है। और जब मैं आ रहा था तब एक बंदा मुझे मिला जो कहता है ब्रुसेल कोई इतना ख़ास सिटी नहीं है, यानी एम्स्टर्डम ठीक है, उधर जाओ। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम आए तो हैं, हम खुद देख लेंगे। तो अभी मैंने सारा विज़िट किया है, तो यानी बहुत ही प्यारा सिटी है। सामने दोस्तों मुझे लगता है कब्रिस्तान है, और वो दिए चल रहे हैं अंदर, लाइटें हैं, मुझे लगी जाकर चेक करते हैं। वैसे वो धीमे धीमे वो देखें लाइटें चल रही हैं, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन जाकर देखते हैं। तो ये है दोस्तों रॉयल पैलेस, ये क्योंकि बंद हो चुका है, रात हो गई है, लेकिन हम टाइम पर आए और हमने एटलीस्ट दरियाफ्त कर लिया। बिल्डिंग रॉयल पैलेस इन ब्रुसेल है तो खूबसूरत, लेकिन बंद हो चुका है, कोई बात नहीं, बाहर से तो प्यारा है, अंदर का पता नहीं।
तो दोस्तों कल सुबह हमें निकलना है कोई 11 बजे, तो सुबह उठ के तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी जगह जाया जाए। सुबह उठ के फिर हम यही हो सकता है कि 2 घंटे पहले अपने बस स्टॉप पे चले जाएं और बस का इंतज़ार करें। ये मेन गेट है इसका, ये दोस्तों मेन गेट है, गेट काफ़ी प्यारा है इसका। ये है गेट दोस्तों, तो ये है रॉयल। वापसी करते हैं, आस्ता आस्ता वापसी की तरफ जाते हैं, देखते हैं आगे स्टॉप आता है तो बस पकड़ लेते हैं, नहीं तो पैदल ही चले जाते हैं। कौन सा इतना दूर है, 4-5 स्टॉप है तो पैदल भी जाया जा सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि इसके अंदर जाके ना वो दिए देख कर आऊँ कि वो लाइटें कौन सी चल रही हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आए एक दफ़ा चेक कर ही आते हैं कि है क्या, पता तो चले। ये तो पार्क है, लग तो रहा है पार्क। लाइटों की अभी भी नहीं मुझे समझ लगी वो कौन सी लाइटें हैं। ये शेर है, किधर भी बना हुआ है, रोक रहा है। तो दोस्तों ये कब्रिस्तान नहीं था, ये कैफे टाइप बना हुआ, तो ये तो कैफे है, हम इसे कब्रिस्तान समझ रहे थे। ये दोस्तों पार्क है, तो अच्छा। तो दोस्तों ये स्टूडेंट पार्क है मुझे लगता है, क्योंकि सारे यंगस्टर इधर गप्पे मार रहे हैं और ऐसी जगहों पे स्टूडेंट पार्क ही बनता है। तो दोस्तों यहाँ से भी निकलते हैं, फिर पता तो चल गया मैं कब्रिस्तान समझ रहा था, लेकिन ये तो पार्क निकला और कैफेज निकले। तो दोस्तों यहाँ बेल्जियम में ज़्यादातर लोग अफगानी हैं और अरेबिक लोग तो हर जगह ही पहुँचे हुए हैं, और पाकिस्तानी इंडियन शॉप्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो यानी इन लोगों से भरा हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तानी शॉप्स भी मैंने देखी कपड़ों की और ज्वेलरी वगैरह की, और इंडियन शॉप्स भी थी, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ ही इधर सेटल है। तो बाकी यानी इल्लीगल जो के डंकी वगैरह लगा के आए हैं लोग, डंकियों वाले लोग हैं कई जो हैं, वो रेफ्यूजी स्टेटस है उनका। तो ये दोस्तों हमारे पीछे एक ट्राम जा रही है, ये तो ये ट्राम पर भी हम बैठ के जा सकते हैं वैसे। तो दोस्तों ये हैं बेल्जियम की ट्राम्स जो के खूबसूरत हैं, लेकिन लग्जमबर्ग की देर लेवल है, ज़्यादा छोटी मुझे तो लग रही। तो दोस्तों अभी टाइम काफ़ी है,
अभी ठीक तरह से अंधेरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा थोड़ी जगह और एक्सप्लोर कर ली जाए। तो अभी एक चीज़ ये और मिली है मुझे, ये भी पता नहीं क्या घंटा का है। दोस्तों ये भी एक अच्छा पैलेस पैलेस टाइप बना हुआ। तो ब्रूसल भी फिट जगह है। दोस्तों यहाँ से व्यू अच्छा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा। जूम डालना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।